हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये वीडियो बीसीयूसी 138 जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके रिगार्डिंग होने वाली है। ठीक है, पेपर बहुत इजी आएगा इसका, मैं नहीं बोल रहा कि टफ आएगा। आप हमारी वीडियो देख लो, पुरानी वाली वीडियो देख सकते हो, नई वीडियो देख सकते हो, ठीक है, कवर हो जाएगा। देखो हम सीरीज स्टार्ट करते हैं इसके, अभी 3-4 दिन एग्जाम में बचे हुए हैं। ठीक है, सो अभी से लग जाते हैं पेपर में। ठीक है, आप मुझे पता है पहले से लग गए हो गए। ठीक है, तो किसी भी चीज को करने से पहले हमें प्रीवियस ईयर कैसा गया था वो देखना पड़ता है। तो उसके मैं प्रीवियस ईयर दोनों पेपर करवा देता हूँ सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करवाऊंगा, यानी क्वेश्चन पेपर दिखा के आपको चला जाऊंगा, बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सो ये हम अभी जो हमारा प्रीवियस सेमेस्टर था जून 2022, इसको देखते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ क्या था, व्हाई इज कॉस्टिंग नेसेसरी इन मॉडर्न सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, एक्सप्लेन वेरियस एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, 8 नंबर का, तो मॉडर्न इकोनॉमी में क्यों जरूरी होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद 12 नंबर में पूछा है कि मतलब क्यों हमें जरूरी होता है। ठीक है, तो पहला देखो, इकोनॉमी में जरूरी क्यों होता है, इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो। पहला होता है हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल में कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरा, रिवील प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, बताता है आप कौन से एक्टिविटीज प्रॉफिटेबल है, कौन से एक्टिविटी प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, गाइड इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हो पॉइंट, क्या हो सकता है, हाँ और भी हो सकता है, क्रेडिटर को एडवांटेज मिलता है, हेल्प इन कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प होता है। ठीक है, सो ये सब इसके वो पॉइंट्स हो जाएंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट, जैसे क्वेश्चन, अब जैसे हमने पूछा था ये क्वेश्चन कि क्या मतलब इसके एडवांटेज क्या है। ठीक है, क्या है इसकी, कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है, तो बहुत सारे एडवांटेज है कॉस्ट अकाउंटिंग के। ठीक है, यही जो मैंने बताया, इसको आप एडवांटेज भी लिख सकते हो और एज अ बेनिफिट टू इकोनॉमी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप मिक्सअप करके लिख सकते हो इसके साथ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्ट, हाँ तो कॉस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। देखो इसमें ना सारे क्वेश्चन लाइक एक साथ घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह मर्ज करके आप लिख सकते हो कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इसके। लाइक कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है। ठीक है, असेंटमेंट ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, कॉस्ट को मेजर करने में हेल्प करता है, गाइड करता है बिजनेस पॉलिसी को। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारे लिख सकते हो। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितने कितने टाइप के होते हैं, तो प्रोसेस कॉस्टिंग होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बहुत सारे टाइप बताए थे आपको, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, यूनिट कॉस्टिंग हो गया, जॉब कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम सीरीज करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा डन हो जाता है यहाँ से। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हमने समझ लिए कि कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन परचेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी हमें चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन खरीदते हैं। ठीक है, तो ये भी लाइक फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये चैप्टर, ये ECO 10 जो हमारा पिछला भी कॉम था उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए कि कॉस्टिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा जो हम परचेज कर रहे हैं। दूसरा, नेचर हमारे क्या है बिजनेस का। तीसरा, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट उसको हैंडल करने के लायक है या नहीं है। टेक्निक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का टेक्निक एस्पेक्ट कैसा है। ठीक है, वो भी जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये हम आगे जाके एक साथ न्यूमेरिकल सारे में करवा दूंगा सॉल्व आपको। ठीक है, वो आप कर लेना। एक और चीज, अगर आपको इसकी पूरी सॉल्व PDF चाहिए, लाइक कि एक ही PDF से आपको सारा कुछ कवर हो जाए, ठीक है, जिसके पास टाइम कम है सो वो बाय कर सकते हैं। बाकी मैं वैसे क्वेश्चन तो कराऊंगा। ठीक है, अगर किसी को जल्दी है तो वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद भी ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करवाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सारे मैं न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट करवा दूंगा, आज रात में एक वीडियो लाऊंगा उसमें सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल थे। ठीक है, अब इसमें एक चीज दिखा देता हूँ मैं आपको, किसने कितने क्वेश्चन करने, 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल, 4 क्वेश्चन और एक शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स से आप कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स हो गए 5 क्वेश्चन। बाकी आप न्यूमेरिकल नहीं भी करते तो ये क्वेश्चन आ गया, 6 क्वेश्चन कर सकते थे आप ये। तो इसमें अगर ऐसा है, किसी को लग रहा है कि न्यूमेरिकल करने से क्या, नहीं करने से क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि आपको थ्योरी आती ना हो तो न्यूमेरिकल आप करके चले जाना। ठीक है, अब देखते हैं अगला पेपर जो कि हमारा हुआ था।
एक सेकेंड, ये शायद एक ही का पेपर है, दूसरा हाँ ये रहा, ये रहा मतलब दिसंबर 2022 वाला पेपर। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। हाँ ये रहा पहला क्वेश्चन जो आया था, डिफाइन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है? तो कॉस्टिंग क्या एक तरीका है किसी भी मतलब हमारे कॉस्ट रिडक्ट करने का, ठीक है, और बाकी चीजों का एक क्या होता है, एक तो एक वे होता है, ठीक है, इसको आप डिफाइन कर सकते हो। बाकी डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी बार डिफरेंस पूछा जाता है। पहला पर्पस आप लिख देना, दोनों का पर्पस क्या होता है। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट करने का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में रिपोर्ट करने का होता है, ठीक है, कंपनी के बारे में। और कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरी एवरी डिपार्टमेंट बोल सकते हो, ठीक है, बाकी और क्या चीजें लिख सकते हो इसमें, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्या करता है, कॉस्ट को एनालाइज करता है और बाकी फाइनेंशियल क्या करता है, प्रॉफिट को एनालाइज करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो, ठीक है, इसके ये भी मैंने अलग से क्वेश्चन करवा रखा है, आप जाके देख सकते हो कॉस्टिंग और फाइनेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल सिंपल सा होता है कि हम अपनी जो इन्वेंट्री होती है हमारे मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म कंपनी या फॉर्म जो भी है उसमें हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, लाइक रॉ मटेरियल स्टोर सप्लाई स्पेस पार्ट पार्टली फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, फिनिश्ड गुड, तो इन सबको हम कैसे कंट्रोल करें, क्या तरीका है, उसी को इन्वेंट्री कंट्रोल बोलते हैं। इट इज अ सिस्टम विच इंश्योर क्या करता है, इंश्योर क्या करता है, क्वांटिटी ऑफ क्या इन्वेंट्रीज, ठीक है, क्वांटिटीज ऑफ इन्वेंट्रीज। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इन्वेंट्री फॉर एफिशिएंट एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा क्या हो सकता है, टू अवॉइड एक्सेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक्सेस इन्वेस्टमेंट को भी अवॉइड करता है, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई चीज ज्यादा है तो उसको हम बार बार खरीद, क्यों अपना पैसे वेस्ट करें, तो कीप सरप्लस, सरप्लस बनाए रखना कि ये ना कि कम भी हो जाए एकदम से। तो ये सारे हमारे इसके वो थे, बाकी दो तरीके कौन से हैं हमारे इसके, ठीक है, तो आप दो तीन तरीके आप देख लेना, बहुत सारे तरीके हैं आप देख लेना, ठीक है, इसको मैं बता दूंगा बाद में वीडियो में, ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं। एबीसी एनालिसिस भी एक होता है, आप ध्यान रखना, एबीसी एनालिसिस करके एक इन्वेंट्री कंट्रोल का तरीका है, वो पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है, ISU 10 में आ चुका है। ABC एनालिसिस में क्या होता है, सिंपल सा तरीका है, ए मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पहले ध्यान में रखो, दूसरा जो उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है उसको, तीसरा जिसपे हमें ध्यान रखने का कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उस पर हैवी लॉस नहीं होगा। मान लो आपके कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, 1 करोड़ की मशीन है, ये आपकी 10 लाख की मशीन है और ये आपकी 10 हजार की मशीन है, तो ऑब्वियस बात है प्रायोरिटी इसको देगा क्योंकि इसमें अगर ये खोएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ए वाला खोएगा तो आपका घर जाएगा इसमें, ठीक है, तो इसीलिए हमें ए को पहले ध्यान में रखना होता है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन, एक सेकेंड, ठीक है, दो क्वेश्चन हमने कर लिए, बाकी ये न्यूमेरिकल है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेथड ऑफ वेज पेमेंट। गुड मेथड ऑफ वेज पेमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ टाइम वेज सिस्टम एंड पीस वेज सिस्टम, ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो इजिली। इसको तीन क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल से आप अटेम्प्ट कर लोगे, एक अरे थियोरिटिकल, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये वाला आते हैं, क्या क्या आते हैं वो बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से समझा दूंगा आपको कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, न्यूमेरिकल आप मेरे भरोसे रहिए, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट बताना है आपको किस किस में, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस बता सकते हो सिंपल, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस बताना है। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, इसके क्या क्या फीचर होते हैं, और जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है बताना, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल गया, बाकी शॉर्ट नोट्स तो कन्फर्म आने आने, ठीक है। तो ये हमारा BCOC 138 जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसका प्रीवियस ईयर पेपर था, इसको आप अच्छे से कर लो पहले, फिर मैं अभी एक दो वीडियो और डालूंगा, ठीक है, वो देख लेना। बाकी आपको अगर पेड PDF चाहिए तो बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।